अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल और कीमा। तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको जो है वो शो कर देती हूँ, बता देती हूँ जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो बीफ यूज़ करना है। बीफ का जो है कीमा मीन्स मैंने रेडी कर लिया था। आप चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और मटन भी, ठीक है। अच्छी तरह वॉश कर लिया था ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो इसमें मौजूद ना हो, ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैं टमाटोज़ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे चने की दाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 1 कप है और 1/2 kg जो है वो कीमा है मेरे पास, ठीक है। आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। टमाटो जो है मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 अदद जो है वो दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे मैंने। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पिसे मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और नमक आपने अपने हिसाब से यूज़ करना है। बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैंने 1 tablespoon जो है वो यूज़ करने हैं, ठीक है। कुछ स्पाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं मेरे पास। और यहाँ पे अनियन मैंने बारीक चॉप कर ली है, करी लीव्स हैं जो कि फ्रेश मेरे जो प्लांट्स हैं ये उसके हैं, और ग्रीन चिलीज़ भी, ठीक है। अदरक लहसुन है यहाँ पर। तो फिर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जो है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले रख दिया था, अब इसमें मैं अनियन जो है वो फ्राई करूँगी, ठीक है। और इसे जो है हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को लाइट से ब्राउन करना है। तो यहाँ पे जो है प्याज बस वैसे मैंने जो है वो ब्राउन नहीं करनी है। और अभी जो है यहाँ पे कीमा जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है ना। और कीमे को जो है हमने हाई फ्लेम पे जो है इसे इस वक्त तक भूनना है जब तक इसका एक्स्ट्रा जो भी एक्सेस वाटर है वो ड्राई नहीं हो जाता और कीमे का जो कलर है वो तकरीबन चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई करती हूँ और इसका एक्सेस वाटर जो है उसे ड्राई करती हूँ। अच्छी तरह जो है कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग नहीं हुआ है, तो इसे हाई फ्लेम मैंने किया हुआ है ताकि ये अच्छी तरह भून जाए ना। अब इसमें जो है मैं अदरक लहसुन शामिल करूँगी। अच्छा, अभी जो है मैंने इसमें गर्म मसाले जो है शामिल नहीं किए हैं, ठीक है। अब अदरक लहसुन डाल के जो है इसके भूना है हमने अच्छी तरह, और कीमे को जो है वो स्टार्ट में ही भून लें तो एंड में जो है वो पानी इतना ज़्यादा सालन में नहीं होता और ऑयल बहुत अच्छी तरह ऊपर आ जाता है। तो बस अब 5 मिनट्स तक जो है वो मैंने इसे भूनना है। ओके, और अब यहाँ पे जो है मैं गरम मसाला डाल दूँगी, ठीक है। और टमाटर भी साथ डाल दूँगी। टमाटर के साथ जो है अच्छी तरह जो है वो जाए, ठीक है। और ड्राई स्पाइसेस जो रखे हुए थे वो भी मैं डाल। जब तक जो है टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम किया हुआ है ताकि टमाटर अच्छी तरह जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे जो है कीमे का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। तो टमाटर हमारे जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं तो फिर मैं इसे जो है थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ जब तक, ताकि जो है कीमा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी सी पानी की नीड होगी तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ओके, अभी जो है थोड़ा सा जो है इसमें पानी जो है हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है,
तो बस अभी जो है वो मैंने 15 मिनट्स तक इसे कुक होने देना है ताकि कीमा जो है अच्छा सा टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे जो है कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह बन रहा है, बट ये है कि अब इस स्टेज पे जो मैंने गरम मसाले डाले थे वो मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि रीज़न कुछ यूँ है कि ये जब बाइट में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और गरम मसाला पाउडर जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि जब सालन में अगर आप शामिल करते हैं तो सालन का कलर कोई ख़ास अच्छा नहीं आता, मतलब ब्लैक सा लगता है वो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसका जो फ्लेवर था वो सालन में अच्छी तरह आ चुका है, तो फिर मैंने इन सबको रिमूव करना है। ठीक है, बाकी जो है अभी थोड़ा सा जो है टाइम इसमें लगना है। सो यहाँ पे जो है कीमा हमारा अच्छी तरह जो है सॉफ्ट हो चुका है, और ठीक है फिर अभी हमने फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा हाई कर लिया है और कीमे की भुनाई करेंगे, ठीक है अच्छी तरह। और ये एक आध जो गरम मसाले रह गए हैं तो इसे भी मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ओके व्यूअर्स, यहाँ पे जो है अच्छी तरह जो है कीमा भून चुका है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं दाल जो है वो शामिल कर दूँगी इसमें, और चने की दाल को याद रखिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी देर जो है वो चने की दाल को और कीमे को मैं थोड़ा सा दम पे रखूँगी ताकि मज़ीद जो है पानी हमारा खुश्क हो जाए कीमे का और ऑयल अच्छी तरह और ऊपर आ जाए, ठीक है। तो थोड़ी सी देर के लिए जो है वो मैंने ऐसे फ्लेम लो फ्लेम पे रखना है, उसके बाद मैं आपकी क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है वो बताऊँ। ओके, तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा सा जो है वो कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का, और यहाँ पे करी लीव्स हैं वो मैं शामिल करूँगी जो कि बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, हरा धनिया है, और थोड़ी सी बारीक अदरक, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो इन सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, बट ये कि लास्ट में इसमें जो है वो आपने शामिल करना है, स्टार्ट में नहीं। तो बस थोड़ी सी देर के लिए जो है वंस अगेन जो है मैं इसे थोड़ा सा दम पे रखूँगी, और उसके बाद जो है वो फिर आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। और गरम मसाले जो थे उनके बारे में बता चुकी हूँ कि मैं कभी भी पाउडर फॉर्म में बहुत कम यूज़ करती हूँ, समटाइम अगर मुझे करना हो, क्योंकि उससे सालन का जो कलर अभी आपको थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है वो नहीं दिख रहा था दिखता, ठीक है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है ये डन हो चुका है, फिर मैं इसे अभी डिश आउट करती हूँ, फिर दिखाऊंगी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे जो है मैंने डिश आउट कर लिया है, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा जो कीमा और चने की दाल है वो रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। मिलते हैं अच्छी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।